चैनल की हर वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना वायरस के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन की मियाद अब एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। 25 मार्च को लॉकडाउन कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पहले लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जो 14 अप्रैल तक के लिए 3 सप्ताह के लिए बढ़ाई गई थी। फिर 14 अप्रैल के बाद 19 दिन के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई थी, जो अभी भी बरकरार है। लेकिन लॉकडाउन 3 की भी अब घोषणा कर दी गई है, जो 3 मई को समापन के बाद 4 मई से लेकर 17 मई तक चलेगी। लेकिन ये लॉकडाउन जो है बाकी 2 अन्य लॉकडाउन से थोड़ी अलग होगी। इसमें लोगों को छूट भी दी जाएगी, लेकिन स्थिति जहाँ पर ख़राब है वहाँ पर लोगों पर कड़ी नज़र भी रखी जाएगी। छूट और कड़ी नज़र रखने का जो पैमाना है उसका आधार 3 जोन में बांटा गया है। पहला तो रेड जोन, जहां पर अत्यधिक स्थिति ख़राब है, जहां पर भारी लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद ऑरेंज जोन और अंत में ग्रीन जोन रखा गया है। ग्रीन जोन का जो पैमाना है, जो बेस तैयार किया गया है, उस पर यह रखा गया है कि जिस ज़िले में पिछले 21 दिन से एक भी संक्रमण के मामले सामने नहीं आए हैं, उस ज़िले को ग्रीन जोन में रखा गया है। रेड जोन में उन्हें रखा गया है जो आए दिन मामले दुगने होते जा रहे हैं और वहाँ पर संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, तो उसको रेड जोन में, मतलब कि जो ज़्यादा स्थिति ख़राब है उसको रेड जोन में, जो स्थिति बहुत सही है, वहाँ पर संक्रमण के मामले एकदम साफ है, 0 के बराबर है, तो उसको ग्रीन जोन में। इन दोनों जिलों को छोड़कर जो बचते हैं, यानी कि जहाँ स्थिति उतनी ख़राब भी नहीं है और अच्छा भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए उनको ऑरेंज जोन में रखा गया है। देश में कुल 739 जिले हैं। 739 जिलों में से 733 जिलों को इन तीन जोन में बांटा गया है, जिनमें से 230 जिले को रेड जोन में रखा गया है, 284 जिले जो हैं वो ऑरेंज जोन में और 319 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। तो इन तीनों जोन में जो है वो उसके हिसाब से छूट दी जाएगी। रेड जोन में कुछ भी रियायतें नहीं दी जाएगी, संपूर्ण लॉकडाउन वहाँ पे पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। जबकि ग्रीन जोन में है वहाँ पे सभी चीज़ों की छूट दी गई है, वहाँ पे नॉर्मल दिनों की तरह काम हो सकते हैं, लेकिन जो बस चलेंगी उसमें बस में 50% ही यात्री यात्रा कर सकेंगे। यानी कि मान लीजिए कि अगर बस में 50 सीट है तो 50 में से 25 सीट पर ही यात्री सफ़र कर सकेंगे, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए 25 सीट को छोड़ा जाएगा। ग्रीन जोन में सैलून की दुकानें, राशन की दुकानें, इस प्रकार की जो एसेंशियल चीज़ें हैं सभी प्रकार की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन स्कूल, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इत्यादि सभी चीज़ें बंद रहेंगी। ऑरेंज जोन में बस नहीं चलेंगी, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में कैब की व्यवस्था रहेगी, बस नहीं चलेगी। कैब में जो यात्री बैठेंगे, ड्राइवर के अलावा एक पीछे सीट पे एक ही यात्री यात्रा कर सकेंगे, उसमें दूसरे को कोई मतलब दो के अलावा तीसरे को बैठने की कोई छूट नहीं दी गई है। ऑरेंज जोन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी शुरू की जाएगी और कॉम्प्लेक्स भी खुले रह सकते हैं, डाला गया है। इस तरह से टोटल कुल 130 जिले को रेड में, 284 जिले को ऑरेंज में और 319 जिले को ग्रीन जोन में डाला गया है। कुल मिलाकर 733 जिलों का वर्गीकरण किया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से ज़िले किस जोन में हैं, तो उसके लिए आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप उसको खोलकर पूरी जानकारी पा सकते हैं कि भाई कितनी कौन से ज़िले को किस जोन में रखा गया। ये तो मैं पूरा संख्या बता दिया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करने तो पहले ही बोल दिया हूँ, और शेयर करना ना भूलें।